తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే ప్రజలు బాగుపడతారని అనుకుంటే కేసీఆర్ కుటుంబం బాగుపడిందని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు. నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్లో జరిగిన ప్రజాగర్జన సభకు హాజరై ఆయన ప్రసంగించారు. పసుపు బోర్డు పెడతామని హామీ ఇచ్చిన కేసీఆర్ ఇవ్వలేదని, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని అన్నారు. ढाई लाख करोड़ रुपए का कर्जा है आपके ऊपर. तेलंगाना के हर परिवार पर ढाई लाख रुपए का कर्जा है, मगर केसीआर के बेटे की आमदनी 400 गुना बढ़ी है. नियामकालू की बात करें तो तेलंगाना के युवाओं ने अपना खून अपना पसीना देकर इस प्रदेश को बनाया. जो युवाओं की फी रीएम्बर्समेंट होती थी उसको रोका और 1 लाख युवाओं को साल में रोजगार देने की बात की थी, नहीं किया. दिल्ली में प्रधानमंत्री कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा. केसीआर जी के शब्द प्रधानमंत्री जी के शब्द खोखले हैं. युवाओं से अगर हम किसानों की बात करें, और तेलंगाना में किसान आत्महत्या कर रहा है. तेलंगाना में 4,500 किसानों ने आत्महत्या की है. केसीआर जी ना सही दाम देते हैं, ना सही तरीके से लोन वेवर करते हैं, और जब किसान एमएसपी मांगते हैं तो केसीआर जी की सरकार उन पर हिंसा करती है. और जब यहां किसानों ने पानी मांगा, जब किसानों ने कहा कि हमारी फसल बर्बाद हो रही है, हमें पानी दो, तो केसीआर जी ने उनको पानी नहीं दिया और यहां पे पुलिस का राज कर दिया. केसीआर जी ने आपसे वायदा किया था कि वो आपके लिए हल्दी का टर्मरिक का बोर्ड लगाएंगे, वो केसीआर नहीं कर पाए. कांग्रेस पार्टी यहाँ पे टर्मरिक बोर्ड लगा देगी कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी मुश्किलें हैं, उनको हल किया जाए. आज सुबह मुझसे बीड़ी बनाने वाले वर्कर्स और उनके फैक्ट्री वाले लोग मिले. 10 लाख वर्कर्स बीड़ी का काम करते हैं. उन्होंने मुझे बताया कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स से उनका जबरदस्त नुकसान हो रहा है. 28% उनको टैक्स देना पड़ता है.